हेलो एवरीवन तो आज हम पढ़ेंगे की और ट्रम्स वाला पोर्शन चैप्टर का लिटमस तो लिटमस क्या होता है द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है बहुत जो कॉमनली यूज करने वाला नेचुरल इंडिकेटर होता है एसिड एसिड द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड एयरसीयर विच मीनस सो जो एसिड होता है इसका अर्थ क्या होता है जो लेटिन शब्द वर्ड है जो ग्रीक वर्ड है और उसका अर्थ ऐसी मिल के बनाएं और उसका अर्थ क्या होता है मतलब खट्टा बेसिस बेसिस क्या होता है द सब्सटेंस दूस आर बीटर ऐसे सब्सटेंस वो क्या होते हैं कड़वे होते हैं इन टेस्ट एंड फील स्पोसी ऑन टचिंग नॉन एज बेस मतलब कि जो कड़वे होते हैं टेस्ट में और जो फील होते हैं सोप मतलब कि सोप की तरह फील होते हैं और टच करने पर वो क्या कहलाते हैं बेसिस इंडिकेटर क्या कहलाते हैं सोलूशन ऑफ सब सो डिफरेंस कलर इन एसिडिक बेसिक नेचुरल सोल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर ऐसे सोल्यूशन जिसमें सब सब्सटेंस जो डिफरेंट कलर इंडिकेट करें जैसे कि एसिड बेस और न्यूट्रल सोल्यूशन कहलाते इंडिकेटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द रिएक्शन ऑफ एन एसिड और बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एसिड और बेस जो दोनों वर्क कर रहे होते हैं वो कौन सा कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रल सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है ए सॉल्यूशन विच इज नीदर एसिडिक और नोर बेसिक इन नेचर ऐसा सॉल्यूशन जो ना तो एसिड होगा और ना ही बेस होगा नेचर में ऑफ इस और ए सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशन और ऐसे सॉल्यूशन जो तो ना एसिड होगा ना बेस होगा और ना तो वो चेंज करेगा कोई भी कलर जो इंडिकेटर का तो कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा तो वो क्या कहेगा न्यूट्रल सोल्यूशन एसिडिक केमिकल्स और सब्सटेंस हैविंग द तो प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड आर्क तो टू बी केमिकल तो बी तो जो सब्सटेंस केमिकल या कोई अदर सब्सटेंस जो क्या कहते हैं तो प्रॉपर्टी रखते हैं एसिड की वो क्या कहलाते हैं एसिडिक ठीक है जैसे कोई भी एसिड होगा उसको एसिड की प्रॉपर्टी रखेगा तो वो क्या कह एसिडिक कहलाएंगे बेसिक केमिकल ऑफ सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ बेस एंड सैट सैड टू बी बेसिक केमिकल और सब्सटेंस जो रखते हो प्रॉपर्टी गुण रखते हो किसके बेस के वो क्या कहलाएंगे बेसिक साल्ट इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड दिस इज कॉल्ड साल्ट जो न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन था जिसमें हम एसिड और बेस दोनों साथ वर्क कर रहे थे रिएक्शन में तो उसमें एक न्यू सब्सटेंस बना था वो न्यू सब्सटेंस क्या था अपना साल्ट था तो देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला पोर्शन सब्सटेंस दैट टेस्ट सोर कंटेन एसिड एंड केमिकल नेम्स ऑफ सच केमी सब्सटेंस इज एसिड सब्सटेंस जिसको टेस्ट में क्या होते हैं सोर खट्टे होंगे और एसिड नेचर खिलाएंगे और केमिकल नेचर सच एस एसिडिक और जिनका केमिकल नेचर क्या होगा एसिडिक होगा सब्सटेंस विच आर बेटर बीटर इन टेस्ट ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में कैसे हों वो कड़वे हों और फील सोपी और फील करने में सोपी हो टच करने पर एंड बेसिस आर केमिकल और जो केमिकल नेचुरल नेचर के में क्या होंगे बेसिक सब्स बेस होंगे तो क्या होंगे बेसिक इंडिकेटर आर यूज टू टेस्ट वेदर इज सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक और ऐसा इंडिकेटर जो टेस्ट करता है कि सब्सटेंस में एसिडिक है कि बेसिक है ठीक है लिटमस इज मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर जो लिटमस होता है वो कॉमनली यूज करा जाता है नेचुरल इंडिकेटर के रूप में सब्सटेंस विच आर नीदर एसिडिक और नोर बेसिक इस कार न्यूट्रल और ऐसे सब्सटेंस आता जो एसिडिक हो और ना बेसिक हो तो वो क्या कहलाएगा न्यूट्रल एन एसिड एंड ए बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फोर ए साल्ट और जो एसिड और जो बेस होगा वो न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे की फॉर्म को चेंज कर देंगे तो क्या बना लेंगे साल्ट अ साल्ट मे बी एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर जो साल्ट होता है वो एसिडिक भी हो सकता है बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन और जो रिएक्शन होती है किनके बीच में एसिड और बेस के बीच में वो क्या कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन तो देखते हैं एक्सरसाइज विद आंसर वाला पोर्शन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड और बेस और ऐसे स्टेट जो अंतर होगा एसिड और बेस का वो क्या कहलाएगा एसिड एंड शोर एंड एंड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड एसिड क्या करेगा जो खट्टा होगा वो किसके कारण क्या करेगा ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा और बेस क्या होगा कड़वा होगा इसके कारण वो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगा ब्लू में उसका उल्टा कर देगा अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो अमोनिया होता है वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में बहुत सारा पाया जाता है सच एस विंडो क्लीनर इट टर्नस रेड लिट मस्ट को ब्लू ठीक है तो जैसे कि जैसे विंडो की खिड़कियों को सफाई करने वाला क्लीनर के रूप में वाट इज इट्स नेचर उसका नेचर क्या होता है क्योंकि ये रेड को ब्लू में चेंज कर देगा अब रेड को ब्लू में कर रहा है तो कौन है वो बेसिस है अमोनियस हैज ए बेसिक नेचर तो कौन सा होगा बेसिक थर्ड देखिए नेम दोर्स फॉर फ्रॉम सोल्यूशन इज ऑप्टेन व्हाट इज द यूज ऑफ द सोल्यूशन तो आपको यूज कैसे किया जाएगा लिटमस सोल्यूशन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम लाइकेन जो लिटमस सोल्यूशन था वो एक्सक्रिटेड किया जाएगा लाइकेन के थ्रू इट इज यू डिटरमाइन विदर द गि सोल्यूशन इज एसिडी बेसि और ये करेगा कि कौन सा है है और कौन बेस है एक होगा जिसमें एसिड होगा बेस होगा न्यूट्रल होगा तो आप कैसे वेरीफाई करोगे क्या है डिजिटल वाटर विल बी न्यूट्रल जो डिजिटल वाटर क्या होगा न्यूट्रल होगा वी कैन वेरीफाई इट बाई सोइंग ब्लू और रेड लिटमस पेपर हम इसको वेरीफाई करेंगे सो करके कि ना तो ये ब्लू कलर देगा ना ही रेड लिट रेड कलर देगा लिटमस पेपर में चेंज इज चेंज इट्स कलर विद वैन डीपर इंड अगर हम इसको लिटमस पेपर में डीप करेंगे डिजिटल वाटर को तो कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल आपको न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस को एग्जाम्पल के थ्रू डिस्क्राइब करना है The रिएक्शन बिटवीन एन एसिड और बेस इज known एज neutralization. और रिएक्शन होती है जो एसिड और बेस के बीच में वो क्या कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस विद द इवेशन ऑफ हीट जो साल्ट होगा वो प्रोड्यूस करेगा और पानी वाटर प्रोड्यूस करेगा प्रोसेस इवोल्यूशन की हीट के साथ एसिड और बेस साल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर देगी हीट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस जो हीट होगी इन्वॉल्व होगी इस प्रोसेस के थ्रू दी फॉलोइंग रीजन इज एन एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोराइड एसिड एस सी एल बोलते हैं जिसको और सोडियम हाइड्रोक्साइड एनिवाच सोडियम क्लोराइड में चेंज जाएगी और वाटर में अब देखिए मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इट इज फॉल्स नाइट्रिक एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड लिटमस ब्लू जो नाइट्रिक एसिड होगा और रेड को ब्लू में चेंज कर देगा तो उसका मतलब क्या है तो इसका आंसर गलत होगा क्योंकि नाइट्रिक एसिड नहीं चेंज करेगा वो एक तरीका क्या होगा अपना एसिड नहीं है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वो ब्लू को रेड में चेंज कर देगा तो गलत होगा क्योंकि वो एक एसिड होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एन एसिडिकाइड्रोक्स हाइड्रोक्लोराइड एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड जो एसिड था अपना जो अभी पढ़ रहे थे वो न्यूट्रलाइज न्यूट्रोलाइज सोल्यूशन में साल्ट और वाटर बनाएंगे तो ये आंसर सही होगा इसका ट्रू होगा इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच सो डिफरेंट कलर इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन जो इंडिकेटर होता है एक सब्सटेंस होता है वो शो करता है अलग अलग कलर जो एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में तो इसका आंसर सही है टू डिके इज कोज द प्रेजेंस ऑफ बेस टू टिके है वो किसके कारण होती है प्रेजेंस के कारण बेस के कारण होती है नहीं आएगा क्योंकि एसिड के कारण होती है क्योंकि वो अपने माउथ में एसिड ज्यादा सीक्रेट रहता है तो इसके कारण क्या होता है टू डिके हो जाएगा एसिड क्या कर देता है अपने टूथ को हार्स कर देता है ठीक है तो कल हम सेवेंथ क्वेश्चन पढ़ेंगे आज के लिए सिर्फ इतना ही